दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में कि यदि आप कभी मैथमेटिक्स का पेपर बना रहे हैं एग्ज़ाम में, जैसे आपको मैथ का पेपर बनाना हो और आपको लिखना हो बटे में, जैसे कि लिखना हो 4/10 + 3/4, एग्जाम्पल में आपको कुछ भी बटे में लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? अगर सिंपली हम इस तरह लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 5/2, तो या 5.2 जब लिखा यहाँ पर, तो देखिए आप इसके बाद में हमें बटे का निशान लगाना है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद हमको लिखना है यहाँ पर प्लस, यानी 5/2 + 3/4 हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम 3/4 लिखते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ स्पेस प्रेस करके लिख दिया या टाइप की प्रेस करके लिख दिया कि 3, उसके बाद फिर नीचे आए एरो से, फिर यहाँ पर हमने टाइप प्रेस किया और यहाँ पर लिख दिया 4, तो हमारा 3/4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, शेप्स में जाएंगे, इसके बाद यहाँ से एक लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद उसको फिर यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे ऐसे लाइन ड्रा कर दिया, उसके बाद में फिर यहाँ से हम दूसरी लाइन फिर लेंगे और यहाँ से फिर ड्रा करेंगे। तो कुछ इस तरह अगर हम लिखेंगे तो उतना ये परफेक्ट नहीं आ रहा है। और दूसरी कमी ये है कि इसमें आप प्लस कैसे ऐड करेंगे, प्लस वाली समस्या आपके सामने आ सकती है, क्योंकि भाई दोस्तों आप प्लस या तो इसी 5 के साथ में लिख सकते हैं बराबर से, यानी 5 के सीध में लिख सकते हो या 2 के सीध में लिख सकते हो, आप बीच में प्लस कैसे ऐड करोगे, ये प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होगी। या कभी आपको अंडर रूट में लिखना हो तो मैथ का पेपर बनाने के लिए सिंपली कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर देखिए एक लास्ट में हमारा एक ऑप्शन है इक्वेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको आना है इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और सिंपली इस फ्रैक्शन लिखा है फ्रैक्शन पे जाइए और यहाँ पर ये ऑप्शन ले लीजिए पहला, इस पर क्लिक करिए। देखिए कुछ इस तरह सिंपल बन के आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, जो भी आप लिखना चाहते हैं, इसे हमने लिख दिया 5/10, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप स्पेस देंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस, ये प्लस का साइन लगा दिया, फिर यहाँ से स्पेस दिया एक और नेक्स्ट, दोबारा हम गए वहीं पर ऐसे क्लिक किया और यहाँ पर हमने ले दिया 6/12 ऐसे। तो देखिए कुछ इस तरह अगर आप लिखेंगे, और इसको हम लेफ्ट साइड में लगा लेते हैं ऐसे, ये देखिए हमारा एक सवाल रेडी हो गया। यहाँ पर सिंपली आप नंबर डाल लीजिए कौन सा सवाल आपका किस नंबर का है, तो इस प्रकार आप बटे में लिख सकते हैं। अगर आपको दूसरा सवाल फिर लिखना है या इसी प्रकार का दूसरा सवाल आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, वो आपको वहाँ जाने जरूर नहीं, इसको आप कॉपी करिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट नीचे क्लिक करने के बाद एंटर कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए कंट्रोल वी यानी पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो सिंपली वही अंक आपके आ गए। आपको क्या करना है, 5 के पास ऐसे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद बैक स्पेसेस को डिलीट करिए और यहाँ पर कोई दूसरी संख्या ऐड कर दीजिए, और नीचे क्लिक करने के बाद इसको भी आप बैक स्पेस से मिटाइए और यहाँ पर कोई दूसरा अंक लिख दीजिए, कुछ इस तरह है। इसी तरह इसको चेंज कर दीजिए, यानी आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद देखिए इसको हमने एडिट कर दिया। अब ये देखिए हमारा दूसरा सवाल रेडी हो गया। तो इस प्रकार आप बटे में अगर कभी भी लिखना हो तो इसका यूज करेंगे तो आप बहुत जल्दी काम कर सकते हैं, आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल परफेक्ट ये आपका लिख जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको अंडर रूट में लिखना हो कभी, तो आप वहीं जाइए इंसर्ट में, ओके इक्वेशन में जाइए और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बगल में देखिए यहाँ पे ये अंडर रूट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ये ऑप्शन ले लीजिए। आप ये अगर लेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे देखिए दोस्तों बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन लेंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन लेंगे तो आप अंडर रूट के ऊपर भी लिख सकते हैं कोई भी अंक, और उसके नीचे जो बॉक्स बना है उसमें भी लिख सकते हैं। तो सिंपली एक हम आपको बता देते हैं, ये ऑप्शन ले लिया हमने, यानी इसके अंदर आप कोई भी अंक लिखेंगे तो आपका अंडर रूट जो है वो निशान भी आपका उस उतने डिजिट के हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि मान लो हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं, ये देखिए, ये देखो अंडर रूट भी हमारा बढ़ गया। तो इस प्रकार आप अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो अगर आपको मैथ का पेपर बनाना हो कभी एमएस वर्ड में, तो आप इंसर्ट में जाके इस कमांड का यूज़ जरूर करिए। और इसमें आपके एक नहीं, इसमें हमने सिर्फ दो आपको बताया एग्जाम्पल में फंक्शन, आप यहाँ से यह ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ से लिया, देखिए यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन हैं,
किस प्रकार आपको लिखना है, कौन सा डिजिट कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे, देखिए हर कई प्रकार के देखिए ऑप्शन आ रहे हैं। आप जैसा भी मैथमेटिक्स में जो सिंबल यूज करना चाहते हैं यहाँ से आप आसानी से यूज कर सकते हैं और अपना सवाल मिनटों में उसको लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका जो भी सवाल हो परफेक्ट एकदम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा देखो यहाँ पर भी बहुत सारे सिंबल हैं, इनका यूज भी कर सकते हैं। तो MS Word के अंतर्गत इस कमांड का यूज आप लोग ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।